प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबोहर में होंगे, यहाँ उनकी चुनावी रैली होगी। पीएम ने पहले जालंधर और पठानकोट में रैली की थी, दुआबा और माझा एरिया कवर करने के बाद यह रैली मालवा में होगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार की रात एक शादी के दौरान दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 9 बच्चियां शामिल हैं। जानकारी के अनुसार गांव में हल्दी रस्म के दौरान सभी महिलाएं कुएं की जाली पर बैठकर पूजा कर रही थी, तभी जाली टूट गई और सभी उसमें गिर गईं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कैपेबल बे में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.4 मैग्नीट्यूड दर्ज की गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रात करीब 12:46 पर यह भूकंप आया। इधर जम्मू कश्मीर से 84 किलोमीटर पूर्व के कटरा में भी सुबह 3:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 20,000 के पार आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 30,757 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वहीं 67,538 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 538 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 41,81,00,000 हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 98,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.42 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के पेट्रोपोलिस इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 94 लोगों की मौत और 54 घर तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 35 अब भी लापता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की सबसे बड़ी वजह नाटो फोर्सेस को लेकर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर नाटो में शामिल हो। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक रूस की इसी चिंता के मद्देनजर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की देश में जनमत संग्रह कराने पर विचार कर रहे हैं। इस जनमत संग्रह से यह तय होगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा या नहीं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से दिन में धूप निकल रही है, जिसकी वजह से ठंड से राहत मिली है। हालांकि फिर मौसम एक बार करवट लेगा। झारखंड, बिहार और यूपी में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी की रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का आसार जताया जा रहा है। प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 18 और 19 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। पेट्रोल और डीजल के रेट के लिहाज से आज हफ्ते का चौथा दिन गुरुवार राहत भरा रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया, न ही रेट घटाए गए और न ही बढ़ाए गए। आज लगातार 79वें दिन रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के साथ हुई। सुबह 9:16 पर सेंसेक्स 259.7 यानी 0.45% की बढ़त के साथ 58,256 के स्तर पर नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी 74.35 की मजबूती के साथ 17,396 पर खुला है।